सुन्नते देख ली, अब पूरा वजू देख लेते हैं एक साथ, ताकि दोनों क्लब हो जाते, दोनों बातें मिल जाती, फराइज़ सुन्नत। अब दोनों को मैं फ़र्ज़ क्या है सुन्नत के अलग नहीं करूँगा, अब दोनों को एक साथ रखूँगा, जो कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की एक मुकम्मल रिवायत है, जिसमें आपने पूरा वजू का तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा किया था वो बताया, ठीक है। और उसके बाद उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है जो अबू दाऊद की भी, तो इनमें आप दोनों सहाबियों से मुकम्मल तौर से वजू का तरीक़ा आता है। आइए हम देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू ये होता और वजू का तरीक़ा ये। मैं आप तमाम चीज़ें मिलाकर कि सबसे पहले आप अपने हाथों को 3 बार धोएंगे, अब नींद में से कोई खास उठा तो पहले 3 बार धोएंगा, वो एक अलग चीज़ है, ठीक। और फिर मिसवाक कर लेंगे, वजू के पहले की चीज़ें हैं ये, कि वजू बिल्कुल मैं खास वजू बता रहा हूँ, तो मिसवाक वो सब पार्ट है उसका, लेकिन वो तो आप समझ गए, वो आपको अलग से करना। अब वजू की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो वजू के लिए आप सबसे पहले जो है अपने हाथों को धोएंगे 3 मरतबा, और हाथ से मुराद ये पंजा है पूरा, कलाई जिसको बोलते हैं, पंजा जिसको बोलेंगे पूरा, ठीक। तो आप हाथों को 3 मरतबा धोएंगे, पानी आपने लिया और हाथों को आप धो रहे हैं, ठीक। हाथों को आपने 3 मरतबा, एक बार पानी लिया उसको धोया, दूसरी बार पानी लिया फिर धोया, और तीसरी बार पानी लिया। नल चालू है तो नल के नीचे रखिए और हाथ धोइए, क्योंकि लेने में अलग मसला है, पानी गिर रहा है तो बहुत सहूलत होती, पानी का नल खोलिए और उसमें आप उसको आसानी से वो कर सकते। 3 मरतबा आपने हाथों को धोया, ठीक, 3 मरतबा, ठीक। अब ये बात याद रखिए, 3 मरतबा से ज़्यादा धोना ये गुनाह और हराम है, 3 मरतबा मैक्सिमम। आगे बात रखूँगा जो नापसंदीदा चीज़ें वजू में उसमें क्या क्या है, तो 3 मरतबा आपने धोया, इससे ज़्यादा मत धोई, मैक्सिमम 3। एक टाइम में जितना मलना जो मसाइल है जो गंदगी निकालिए, सेकंड टाइम कीजिए, थर्ड टाइम मैक्स, ठीक। तो 3 मरतबा आपने हाथ धोया, हाथ धोने के बाद पानी लिया आपने और सीधे हाथ से कुल्ली करना है आपके अंदर की, पानी लिया आपने और आप कुल्ली कर रहे हैं, मुँह पानी लिया और कुल्ली कर रहे हैं, कुल्ली में ज़्यादा ती होंगी कि आप गरारा कर सकते हैं, लेकिन वह रोज़े से हो तो गरारा ना करें, लेकिन कर सकते हैं, इसलिए कि ज़्यादा ती में आएगा, मुकम्मल कुल्ली में शामिल होगा। पानी लिया या चाहे तो गरारा करा और पानी को थोक दिया, एक बार फ़र्ज कम अज़ कम, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बार लिया कुल्ली की, चाहे तो गरारा किया या एक बार गरारा किया, 2 बार कुल्ली की, जैसा आपको बेहतर लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुँह साफ हो आपका। तो आपने कुल्ली की और पानी को थोक दिया, ये हुआ 3 मरतबा। उसके बाद आपने पानी लिया और नाक में पानी आप चढ़ाएंगे, नाक में पानी लेके नाक को साफ़ करेंगे 3 बार, एक बार कम अज़ कम, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा, नाक में पानी लिया और नाक को झाड़ा साफ़ किया, फिर पानी लिया 3 बार। उसके बाद पानी लिया और चेहरे को आप धोएंगे, चेहरा होता है सर के बालों, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी गले से ऊपर का हिस्सा, ये कान से ये कान, पानी लिया और आप उसको धो रहे हैं, पानी लिया और धो रहे हैं। जब आप पानी चेहरे पर मारे तो आँख वो सब इंक्लूड कर ले उसके अंदर, ठीक, और आप उसको धो रहे हैं 1 बार 2 बार और 3 बार मैक्सिमम, ठीक। उसके बाद जो है आप फिर जो है हाथ धोएंगे, हाथ के लिए पहले सीधा शुरू करेंगे, सीधा हाथ पे पानी लिया आपने और उसको पानी अगर कोई चीज़ में से उठा रहे, बर्तन या मर्तबान में से, तो उठाकर आप डालेंगे और फिर उसको मलेंगे। अगर नल चालू है तो आप नल के नीचे हाथ डालेंगे और उसको मलेंगे, ठीक। तो ये पूरा आपने यूँ लिया और ये मल लिया एक बार, या आप नल चालू तो नल में भी आप सीधा डालने के बदले ऐसा लेकर उसको आराम से मल सकते हैं नल बंद करके, 1 बार 2 बार मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक। उसके बाद फिर उल्टा हाथ आप शुरू करेंगे, उल्टे हाथ का, और इसी दौरान इसका खिलाल भी कर ले सकते हैं आप चाहे तो, ठीक, उसको धोएंगे, ठीक। ये हुआ दूसरा हाथ। उसके बाद आप पानी लेंगे और पानी लेकर मसह करेंगे, मसह के लिए आप पेशानी के जो बाल शुरू होते हैं वहाँ से, जहाँ तक हमने चेहरा धोया था उसके ऊपर का हिस्सा, बालों से पीछे जाएंगे गुद्दी तक और पीछे से वापस आएंगे। ख्वातीन जो है, चूँकि उनकी गर्दन खुली नहीं होती, तो पीछे जाएंगी गर्दन तक और गर्दन से वापस आ जाएंगी, मर्द गर्दन तक जाकर पूरा वापस आएंगे, ठीक, वापस आए और उसी स्ट्रोक में एक ही उसके अंदर जाके आप आएंगे, उसी उसमें फिर आप कान का खिलाल, दोनों कान में उंगलियां डाली, अंदर के लिए ये उंगली इस्तेमाल करेंगे शहादत की और बाहर के लिए दोनों अंगूठे, एक ही उसमें दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सर का मसाह के साथ ही होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग से पानी लेना इस मामले में साबित नहीं, लेकिन उलमा कहते हैं अगर सूख जाए मुकम्मल और पानी बचा ही ना हो तो अलग बात है, आप ले लें, लेकिन उमूमन आप ऐसा करके एक करें, हो गए कान। अब कानों के बाद आपको जो है पैर पर आना है आपकी, और पैर आप पहले सीधा पैर धोएंगे, टखनों के पीछे का हिस्सा खास तौर से याद रखिए सूखा रह जाता है, आप सबने एक साहबी को देखा और कहा एहतियात किया करो ये सूखा रह जाता है, टखनों का पीछे का, सीधे हाथ के एक्सट्रीम राइट पैर के पीछे के एक्सट्रीम राइट का और उल्टे पैर के पीछे के एक्सट्रीम लेफ्ट का सूखा रह जाता है, तो उसको अच्छे से आप वो करेंगे टखनों तक, टखने मतलब इंक्लूड पूरा उसको धोएंगे, और उल्टे हाथ से खिलाल उंगलियों को पैरों के बीच में साफ करेंगे, खिलाल करेंगे। तो ये हुआ वजू, याद रखिए 1 बार कम अज़ कम धोएंगे, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा धोएंगे,
पानी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसलिए कि पानी को ज़्यादा बहाना, उसकी ज़्यादा थी उसको इसराफ करना, शरीयत ने जो है इस बात को बिल्कुल जो है पसंद नहीं किया, याद रखिए। इसी तरह एक गलत फहमी जो होती है वो ये है कि हम लोग जब मसह करते हैं सर का, तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मसह के तरीक़े होते हैं। कुछ जगह मसह का तरीक़ा इस तरह से होता है कि एक आदमी मसह करता है, मतलब यहाँ से शुरू होता है हर चीज़ को, वो बोसा लेते हुए चलता है ऊपर की तरफ और फिर पीछे जाता है। कुछ लोग होते पीछे जाते चूम कर, चूमना यहाँ साबित नहीं है सुन्नत से, ठीक। चूमते हैं, नाक को भी हाथ लगाते हैं, पेशानी को लगाते हैं, कुछ लोग चूमते और पेशानी पे जाते हैं, कुछ लोग चूमते, कुछ लोग चूमते नहीं और आके जाते हैं, आँख पे हाथ लगाते हैं, ये कुछ भी साबित नहीं। आपको सिर्फ भिगाना है और पीछे गए और आगे आ गए, इसमें चुभना और वो करना साबित नहीं। एक दूसरा, कुछ लोग गर्दन का मसाह करते हैं, गर्दन का मसाह करते हैं, उसका मुख्तलिफ तरीक़े ऐसा भिगाना, ये उसके इतने फ़ायदे फ़लाँ हैं। गर्दन का मसाह किसी सही रिवायत से साबित नहीं है। इसके अपने फ़ायदे होंगे, फ़ायदों से हमको इनकार नहीं, इसलिए कि जिस्म को धोने के फ़ायदे होते ही हैं, तो आप अलग से धोइए उसको, आपको धोना है तो। लेकिन गर्दन का स्पेशल मसाह, हाँ गुद्दी पे जाने तक कुछ पानी चले जाए कोई मसला नहीं, स्पेशल मसाह करना ये सुन्नत से साबित नहीं है। किसी सही रिवायत से गर्दन का मसाह करना साबित नहीं है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा आप पानी हाथ डाला, सीधा हाथ को ले गए, वापस लाया, कानों का खिलाल किया, ये काम फिनिश। कोई चुभना और कोई गर्दन का मसा इसके बाद साबित नहीं। बहुत से लोग यूं जाने के बाद हर इबादत में उनको अपनी शक होता है, और शक क्यों ना हो, मौलवी साहब बताते हैं एहतियातन, जैसा जुमा की नमाज दो रकात फ़र्ज़ है, एहतियातन जोहर पढ़ लेना, तो वो एहतियात करते, एहतियात क्या करते हैं, देखिए सर का मसा करते हैं, पहले तो यूँ यूँ बहुत चुमते ऊपर तक जाते हैं, ये एहतियात है, मतलब ये भीगा नहीं होगा तो, ये भीगा नहीं होगा तो, ये भीगा नहीं होगा। फिर वापस आने के बाद कान का खिलाल करने के बाद एक्सरसाइज शुरू होती, शिप 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 शिप, कुछ तो भी ऐसा बहुत देर तक यूँ 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 करते, क्यों बोले एहतियातन ये सूखा रह गया होगा तो, एहतियातन ये सूखा रहेगा, एहतियातन ये सूखा रहेगा, एहतियातन, अरे पहले तीन दिन बाद धो लिया ना बेवकूफ़ आदमी, अब क्या एहतियात फिर से, फिर तो एहतियातन फजर की दो पढ़ के फिर दो पढ़, फिर जोहर की चार पढ़ के फिर चार पढ़, ज़कात देने के बाद डबल ज़कात दे एहतियातन, पहली खबर ली होंगी तो, हज करने के बाद फिर एक हज करे थे, एहतियात मतलब उम्मत को हर चीज़ में शक में डाल दिया, ये एहतियातन क्यों, तीन तीन बार तुम धो चुके हो ना पहले इतनी एहतियात से, अब क्या एहतियात की ज़रूरत है। तो मसाह करने के बाद ऐसा बैठ जाते और बिल्कुल एक एक वो तरीक़ा रहता, उसके लिए ऐसा क्लासेस लगाना पड़ेंगी, या कोई आदमी दूर से देखे अगर चाइनीज़ या मलय ओरिजिन का हो तो उसने समझेगा कुछ तो भी है, तो कराटे एक्सरसाइज भी कर लेते हैं अपने अपनी इबादत में इनके कराटे वराटे शामिल, क्योंकि वो इतने एकदम टैक्टफुली होता है, बिल्कुल यूँ 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 ऐसा एकदम बिल्कुल टैक्टफुली चलता है, तो आप खाली देखना उसको क्या चल रहा है, और अगर अपन नहीं करे तो बाजू वाला अपने को देखता, कौन आगे बोलता तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, पहले तो गर्दन छोड़ दिए और फिर वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे खड़े थे, ठीक। तो पहले जब तुमने धो लिया तो फिर तुमको क्या एहतियात की ज़रूरत, मुझे समझ में नहीं आता, एहतियात 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 गैर ज़रूरी एहतियातें हैं, जहाँ होना वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होना वहाँ है, कुछ भी नहीं हो गया, अब डबल रिपीट नहीं करना है कोई चीज़ को आपको एहतियात। हाँ ये अलग बात है कि आपने वज़ू किया और किसी ने कहा कोई चीज़ आज़ाद सूखा रह गया, तो एक अलग बात है, याद और याद रखिए वज़ू कर लिया, कर कर उठे और आपने अपने आप को पोंछना शुरू कर दिया, याद रखिए वज़ू के बाद अपने जिस्म को पोंछना भी सुन्नत है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालु से माँ आयशा फरमाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौलिया था जो आपने उठा कर रखा था, आप वज़ू करते तो उससे पोंछते, नहाते तो उससे पोंछते, तो ये भी सुन्नत है। अब आप उठे वज़ू करने के बाद आपने तौलिया से पोंछ लिया, अब पोंछने के बाद किसी ने कहा पिंडली सूखी रह गई थी, ओहो तो अब क्या करेंगे आप, अब आपको पूरा वज़ू करना पड़ेगा, इसलिए कि आपने कुछ अज़ा को सुखा लिया था। अगर पूरे आधा गीले होते और आप खड़े होते और किसी को कहता पिंडली रह गई, आपकी कोनी रह गई, चेहरा रह गया, फला रह गया, तो आप फ़ौरन बैठ के उतने हिस्से को धो लेते तो वज़ू हो जाता। लेकिन अगर वो सूखा रह गया, आप उठ गए और एक भी आधा सूख गया, तो उसके बाद आपको फिर से वज़ू करना होगा। आप समझे एक सही रिवायत साबित है, अबू दाऊद की रिवायत है, एक सहाबी उठे जिनके पिंडली के बारे में आता, देखिए वो पिंडली नहीं है जो टखने के पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ नाखून के बराबर एक हिस्सा सूखा था, जब आपको उनको बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वज़ू फिर से कर, क्योंकि उनके आधा सूख चुके थे उतने चूँकि क्या होता है जब आप देखिए धोएंगे, एक आदमी काम धंधे बिजनेस से आया, काम काज से आया और धोया, और जो हिस्सा नहीं धुलाना वो बिल्कुल वाइट अलग चमकता है, और जब धुल गया उसका कलर चेंज हो जाता है, तो कोई पहचान सकता है इसने कोई नहीं बराबर नहीं धोया। बच्चों को देखिए आप चेहरा धोते इधर का पूरा बाकी रहता, आप बोलते बेटा ये नहीं धुला कैसे पहचाना, इधर पानी से सफाई इधर से वाइटनेस दिखती अलग, तो वैसा पहचाना, तो कहा फिर से कर। लेकिन गीले में है तो खाली आप जाके गीला कर लीजिए, गीले में मतलब उठे आप और किसी ने कहा भाई साहब तो आप धो लीजिए,
सूख गया तो फिर से आपको वजू दोबारा दोहराना। अब वजू में नापसंदीदा उमूर, क्या काम वजू में नहीं करेंगे?